नमस्कार आरुषि, नमस्कार निहारिका, नमस्कार दिव्यांशी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्विच ऑन योर वीडियोस। यस, मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ, आई कैन सी। हाँ, ये जो लायनेस का है, इसमें हिंदी में तो दोनों में सी लिखा है, स और बड़ी ई की मात्रा, बट रोमन में आई जो है सिंगुलर में बड़ी ई है और प्लूरल में छोटी ई है। कौन वो गलती हो गई, आई पो सा वाला मिस्टेक। करेक्ट, बड़ी कौन सा है? बड़ी प्लूरल वुड बी सी मिनी, मतलब हिंदी है सी तो देना चूज करें। महाराज मिस। सो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो आई के ऊपर राइट हैंड साइड से स्लांटिंग। ठीक मीन इट इज ऑल राइट इन रोमन एज वेल एज इन हिंदी। बेकार क्वेश्चन था गाइस। वो सर कह रहे हैं ठीक है, कुलदीप सर भी कह रहे थे ठीक है, मुझे मतलब मिस्टेक। एक्चुअली इट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, सो यू प्रोनाउंस इट सीमिन। तो फिर रोमन में तो आई लेफ्ट टू राइट ही होगा ना स्लंट। ठीक सी सीमिन, सी इज बड़ा है, डी। लेफ्ट से राइट हो जाएगा। हाँ तो उसमें राइट टू लेफ्ट था, मी के पास जो आए बनेगा ना हैं वो जो, राइट से लेफ्ट हो जाएगा। हाँ फिर से बड़ा शेयर वाला करो। आई, तो ठीक है, तो बड़ा आई और छोटा आई, तो बड़ा वाला आई। ये वाला, हाँ ये वाला करेक्ट। तो ये बड़ा आई हो जाएगा ना। बड़ा आई। आई वुड रिक्वेस्ट आरुषि को अपना रोल नंबर लिखने के लिए एंड पलाक्षा को अपना रोल नंबर लिखे एंड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। एक डाउट और था, हाँ प्रेस प्रेस। कार्तिक के महीने को कथक और कार्तिक दोनों बोलते हैं? वैसे कार्तिक बोलते हैं, हाँ कथक शॉर्ट फॉर्म है, कथक भी बोलते हैं बट कश्मीरी में कार्तिक ही बोलते हैं। बट कथक इज नॉट रॉन्ग, इट इज ऑल्सो राइट। ओके, अच्छा ओके आरुषि, नो प्रॉब्लम। थिरुमल कौर मसानी, वैसे मैसेज क्लास जस्ट स्टार्टेड। बट मैम मैसेज नहीं आया, बट दे विल देन हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डेड मीटिंग बिकॉज नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग एग्जाम। सो एक और डाउट पूछ लूं? हाँ बेटा बिंदास पूछो। तो इच्छा मारा अस दिली गसुन, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है या सिर्फ फेमिनिन के लिए? महाराज यूज करन दोनवनियन खातर, बट तो दैट इज फॉर रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट एंड एल्डर्स। योर क्वेश्चन इज फॉर महारा और योर क्वेश्चन इज फॉर छा। छा तो ही छा मारा, छा तो ये छा मारा अच्छे बड़े प्रसाद। हाँ दोनों को पूछ सकते हैं। दोनों को इफ आई विल टॉक टू करुण आंटी आई विल आस्क हर त्वचा मारा दिल गसुन, इफ आई विल टॉक टू रविंदर अंकल आई विल आस्क हिम त्वचा मारा दिल गसुन।
so it is correct. And if I will ask you, then one I will ask you, Zachia Dilegatsun. वो रिवीजन क्लास में क्लियर हो गया चलिए ना तक महरा के महरा इज यूज्ड फॉर रेस्पेक्ट ओके व्योमनी आई रिक्वेस्ट कि आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए पहले हमारा पानन वीडियो बंद करे आज करियो तो ऐसे पानन मर्जी कुछ जैसे थोड़ा आनी जी पोजीशन में बेत आजी मेन शक्ल और हिसाब से मत ओके मारा ओके गेंशन पर मैं करो करो ओके दक्षेश आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और अपना रोल नंबर लिख दीजिए मशवासन प्राज्ञा त्रे मिनट पद कर से स्टार्ट आरुषि जी प्रसाद मैम एक्चुअली आई कुडंट अटेंड द प्रीवियस क्लास सो विल मास्टर जी टीच और समबडी एल्स सो आरुषि बिकॉज दीज टू क्लासेस आर जो मॉर्निंग की क्लासेस है तत्मर्षि साइन मास्टर जी करुणा आंटी जी तो वो पढ़ाती हैं और शी इज द वन हु विल ओवरसी एवरीथिंग लेकिन लास्ट की जो दो क्लासेस हैं सेशन नंबर 15 और सेशन नंबर 16 वो दोनों क्लासेस जो हैं हमारी रिवीजन क्लासेस है बिकॉज नेक्स्ट वीक इवैल्यूएशन होगा आपका एग्जाम होगा तो अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है मास्टर जी को लेके तो नहीं इस क्लास में मास्टर जी नहीं है आज उनकी तबीयत थोड़ी अभी ठीक नहीं हुई है कि ही कैन सिट एंड मेक यू स्टडी और इस क्लास वैसे भी मॉर्निंग क्लास करुणा जी ही लेती हैं करुणा आंटी ही लेती हैं तो वही हमारी मास्टर जी हैं मॉर्निंग क्लास की ठीक है यू कैन आस्क एनीथिंग हाँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क प्रज्ञा रिवाइज कराने के लिए अब आई हैं स्पेसिफिकली और आप में से कोई और बच्चा भी जो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है वो नेक्स्ट जो हमारी न्यू क्लासेस होंगी उनके लिए भी आ सकता है हमें ज्वाइन कर सकता है ओके सो इट्स अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल कि आप में से ही कोई एक वॉलंटियर बन सकता है क्लास मॉनिटर बन सकता है ठीक ओके Okay, one more minute and then we will get started with whatever number of participants we have because we need to be on time. 1 hour ka session hai. Let's finish it in 1 hour. And uske baad jinka reh jayega, they will go through the recording. Right? Let's not waste others. Jin logon ne join kiya time pe, unka time waste nahi karte hain. Okay, ma'am. I'll share my screen. Please start, Pragya. Okay? Now it's over to you. Okay. Okay. I hope everyone can see my screen. Yes. Okay. So, Kosam Lesson 16, Vocabulary Cereals. So, paddy is danya. Danya. Floor is oat, oat. Rice is tumul. ये मात्रा है ओ वाली मात्रा है ये ओके सो तुमुल 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 ओके तुमुल मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तुम लोग को अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो तुमुल हो जाएगा लेकिन इसको ये लहरा के है
इसको बोला जाएगा तोमुल, शॉर्ट फॉर्म में ओ की मात्रा, तोमुल नहीं तोमुल, ठीक? यस मैम। सो राइस इज तोमुल, फिर वीट है खुंग खनुख खनुख, ओके, वीट इज खनुख, देन मेज इज मकई मकई, देन सेसमे इज तेल, सिंपल है तेल, then mustard is teal bubble. अब ये ध्यान रखो, सेसमे अगर तेल है वो ऑयल नहीं है, वो तेल है, तिल, that is जो white तिल और black तिल होता है, that is उसको कश्मीरी में बोलते हैं तेल, और जो हिंदी वाला तेल होता है that is oil. Clear? चलो आगे थोड़ा सा बड़पान वन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। हमारा वन कनक है, कनक नाश कनक है। यस मास्टर जी, यस जी, हाँ, वीट इज कनक 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 कनक, इट इज कनक कनक, आगे नीचे कोई अर्धचंद्र नहीं है, कनक। ओके सर, सो वीट कनक, देन मेज मकई, then sesame tail, then mustard teal gogle, good, teal gogle, fir next is barley which is vushak, barley is vushak, vushak, then pehle vush fir k vushak vushak, repeating again vushak, फिर पल्सेस इज दाल दाल, फिर रेड बीन्स इज राजमा राजमा, फिर किडनी बीन्स इज मूंग मूंग, ना 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 ना, ये गड़बड़ है, रेड बीन्स इज राजमा, किडनी बीन्स इज नॉट मूंग, मूंग इज मूंग, ग्रीन बीन्स इज मूंग, ग्रीन ग्रीन है वो, ग्रीन लेंटिल है वो, उसको बोलते हैं मूंग, दिस इज टू बी करेक्टेड करेक्टेड, किडनी बीन्स इज आल्सो राजमा, सो रेड बीन्स एंड किडनी बीन्स इज राजमा एंड ग्रीन बीन्स इज मूंग, बीन तो नहीं उसको कहा जाएगा, दैट इज जो होती है मूंग की दाल, वो खड़ी मूंग की दाल जो कहलाती है हरे रंग की, ग्रीन कलर की, That is called जो शूटी होता है सॉलिड वाला दाना, उसको बोलते हैं मोंग, इट इज टू बी करेक्टेड, यस मैम, फिर नेक्स्ट है लेंटिल मुसूर, ओके, देन फ्लैट बीन्स बर्गल बर्गल बर्गल, फ्लैट बीन्स बर्गल, फिर पीज कर, वेरी गुड, कर, फिर ग्राम चना चना, एंड देन ब्लैक ग्राम इज महा महा, यस, ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर सीरियल्स, नाउ नेक्स्ट पेज इज वोकैबुलरी ट्रीज नॉन फ्रूट बियरिंग, दीज आर ट्रीज, देन फर्स्ट वन इज पॉपुलर जिसको हम फ्रस्ट कहते हैं, फ्रस्ट, ओके, then next willow, very simple, veer, okay, then deodar ko hum kahenge divdur, very divdur. Good, very good, okay. Divdur, then next spruce or cheer usko hum budul budul kahenge, okay, budul, then next kale which is kayur kayur kayur, okay, kale chu kayur कायूर, देन चिनार बूइन बूइन, ओके, देन बर्च बुरुज कुल, वेरी गुड, बुरुज कुल, देन नेक्स्ट साइप्रस ट्री, ये इजी है, सर्व, एंड देन लास्ट एकेसिया, वो है टिकर, अगर ये वन मिनट पर गया, अगर साइप्रस ट्री है तो इट शुड बी कॉल्ड सर्व कुल, ओके, सर्व कुल, अगर खाली हम साइप्रस बोलेंगे तो सर्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम सर्व ट्री बोलते हैं तो सर्व कुल, ट्री इज कुल, सो आई विल रिपीट वंस अगेन, साइप्रस ट्री है सर्व कुल,
एंड देन अकेसिया है किकर, किकर। और सर्व कुल में वह में नीचे चंद्र लगना चाहिए तभी हो जाएगा सर्व, नहीं तो ये सर्व है, ये असली है सर्व। चलो आगे देखते हैं फिर, अभी आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट है वोकैबुलरी कॉमन कलर्स। तो फर्स्ट है ब्लैक, उसको हम क्रुहुन भी कहते हैं एंड क्रेहुन भी कहते हैं, ओके क्रुहुन और क्रेहुन। देन नेक्स्ट आता है ब्लू कलर विच इज न्यूल, न्यूल। देन नेक्स्ट ब्राउन, इट विल बी मिट्स रंग, इसमें एम पे थोड़ा एम्फेसिस रहेगा, मिट्स रंग, ओके मिट्स मतलब, वन मिनट प्रज्ञा, मिट्स मींस मिट्टी क्ले, तो इसलिए इसको बोला गया है मिट्स रंग, मिट्टी का कलर। आगे देन क्रिम्सन इज किरमिज, किरमिज। फिर नेक्स्ट गोल्डन स्वर्णहोर, गोल्डन टू स्वर्णहोर। देन नेक्स्ट ग्रीन इज सबज, ओके सबज। देन इंडिगो इज नील रंग, नील रंग। देन पिंक इज गुलाब, गुलाब। रेड वजुल, वजुल, ओके रेड इज वजुल। देन नेक्स्ट स्काई ब्लू इज अस्मोइन रंग, स्काई ब्लू अस्मोइन रंग। देन टॉनी इज कत्सुर, टॉनी टू कत्सुर। इधर च के नीचे बिंदी और छोटी ओ की मात्रा, कत्सुर। देन वॉयलेट, वॉयलेट इज लार्ज विरुद्ध, लार्ज विरुद्ध, वॉयलेट इज लार्ज विरुद्ध, लार्ज व रिद, लार्ज व रिद, ओके मैम, लार्ज व रिद, वॉयलेट टू लार्ज व रिद। फिर नेक्स्ट व्हाइट, सफेद और छुत, ओके सफेद और छुत। देन येलो इज लदुर, ओके लदुर। And then light yellow is buduru, budur. Light yellow budur. Ma'am, I'll proceed. Yes. Okay. Then next is vocabulary tastes. So bitter will be tyot. Okay. Bitter chu tyot, tyot. Then salty, very easy, namkeen, namkeen. Then sour will be tsuk, okay, tsuk. And sweet will be madur, madur, okay. So ye hamare tests hain. And then next is vocabulary reptiles and insects. तो फर्स्ट वन इज एंट, उसका सिंगुलर होगा रेई एंड प्लूरल होगा रेय। सो एंट सिंगुलर रेई, प्लूरल रेय, रेई रेय। नेक्स्ट वन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का सिंगल विल बी मगरमच्छ, प्लूरल विल ऑल्सो बी मगरमच्छ। सो क्रोकोडाइल सिंगुलर मगरमच्छ, प्लूरल मगरमच्छ, ओके। Then next, earthworm. Earthworm को singular में कहेंगे bumsen, bumsen, and plural will be bumsen. इधर न के नीचे ये एक चंद्र की मात्रा आ जाती है, तो singular earthworm is bumsen and plural of earthworm is bumsen, 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 bumsen. Then next is flea. Single will be Pyush and plural will be Pish. Pyush and Pish. Flea singular Pyush, plural Pish. Then next housefly. Singular will be Much, Much and plural will be Much.
रिपीटिंग सिंगुलर फॉर हाउस फ्लाई मच प्लूरल मच्छ मच मच्छ 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 देन नेक्स्ट इज मॉस्किटो सिंगुलर विल बी मो प्लूरल विल बी मई सिंगुलर मो मई पीयूष भी आपने हेलो यस पीयूष भी पीयूष पीयूष भी गलत बोला पीयूष एंड पीश पीश नहीं है पीश ओके सर ओके आई विल रिपीट फॉर फ्ली पीयूष एंड पीश ओके फ्ली का वंस अगेन सिंगुलर विल बी पीयूष एंड प्लूरल विल बी पीश ओके नाउ इट इज ओके 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 सर थैंक यू सर फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉस्किटो मॉस्किटो में सिंगुलर है मो एंड प्लूरल है मई मो मई मई देन नेक्स्ट वन इज मई 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 ऊपर अर्धचंद्र भी है ना मई मई ओके ओके सर सो मॉस्किटो सिंगुलर मो प्लूरल मई ओके मो मई देन स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन का सिंगुलर विल बी ब्यूच एंड प्लूरल विल बी बिच ओके स्कॉर्पियन सिंगुलर ब्यूच प्लूरल बिच ओके देन नेक्स्ट इज स्नेक स्नेक सिंगुलर टू वेज में बोल सकते हैं स्वरूप स्वरूप और मार ओके स्वरूप और मार प्लूरल है इसका स्वरूप और मार इधर आप डिफरेंस देख सकते हैं जब सिंगुलर है तो स्वरूप है र पे छोटी ऊ की मात्रा है बट देन जब प्लूरल होता है सो इट बिकम्स देयर इज नो मात्रा स्वरूप हो जाता है तो स्नेक सिंगुलर स्वरूप प्लूरल स्वरूप स्नेक को हम सिंगुलर मार प्लूरल मार दोनों वेज में कह सकते हैं फिर नेक्स्ट है स्पाइडर सिंगुलर विल बी जलूर एंड प्लूरल विल बी जलूर जालूर 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 सो स्पाइडर सिंगुलर जलूर एंड प्लूरल जलूर ओके जलूर जलूर उसके बाद नेक्स्ट सेंटीपीड सिंगुलर कन हर्पिंग ओके कन हर्पिंग ओके सेंटीपीड सिंगुलर कन हर्पिंग एंड प्लूरल बी कन हर्पिंग अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब सिंगुलर है तो प को छोटी ई की मात्रा है और आधा न य है बट जब ये प्लूरल हो जाता है तो आधा प और य हो जाता है और न विद छोटी ई की मात्रा है तो इसमें स्लाइट डिफरेंस आता है सिंगुलर कन हर्पिंग हर्पिन एंड प्लूरल भी कन कन हर्पिन्य ओके कन हर्पिन कन हर्पिन्य डाउट डाउट हाँ हाँ पूछो रोमन में इसकी जो स्पेलिंग है उसको लेके डाउट है प्लूरल की ये वाला यस ये एक एरर है इसको करेक्ट कर दिया जाएगा इसमें वो ऊपर आ जाएगा एज अ सुपरस्क्रिप्ट नहीं नहीं ये ठीक है ये ठीक है कान हैप्पी नहीं ठीक है रोमन में सर इट इज ओके पर फिर प्योर ओके लेफ्ट हिंदी में देवनागरी में प्योर हो गया है ना फिर वो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ही होगा ओके इसका हम वी विल चेक एंड वी विल करेक्ट देवनागरी वाला गलत है देवनागरी वाले में कान हैप्पी नहीं प ए न ए
देवनागरी वाला गलत है, हैप्पी नहीं होगा, हम चेक करेंगे। तन हैप्पी नहीं, वो ए ना ए ओके, इसको हम इसको चेक किया जाएगा सेंटीपीड का। देन लास्ट वन इज कैटरपिलर, मुहुर मुहुर, सो सिंगुलर में मुहुर होगा एंड प्लूरल में मुहुर होगा। ओके, कैटरपिलर मुहुर मुहुर। ओके, सो दिस इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट वन, आई हैड गॉन टू वॉच सर्कस, बोसुस सर्कस वुचन गोमुत। आई विल गो टू वॉच सर्कस, वगत्स सर्कस वुचन। अगर यही सेंटेंस गर्ल को बोलना है, आई हैड गॉन टू वॉच सर्कस, बोसुस सर्कस वुचन गोमुत। Versus circus vuchna gamut, and I will go to watch circus, it will be same, vagatsa circus vuchna. So I'll repeat once again. For males, I had gone to watch circus, versus circus vuchna gamut, and then I will go to watch circus, vagatsa circus vuchna. And agar female ko ye bolna hai, I had gone to watch circus, versus circus vuchna gamuts, and I will go to watch circus, it will be same, vagats circus vuchna. Okay, vuchna ki spelling same rahegi dono mein. Ma'am, masculine feminine mein dono mein same rahegi? Wipe it. Ha ha, dono mein same. Yes, vagats circus vuchna. Yes. Okay, ma'am. I'll continue. Yes. Okay. Peter is repairing his house. Peter chu panun makana sheran. Peter chu panun makana sheran. Peter was repairing his house. Peter os panun makana sheran. Peter os panun makana sheran. Agar yehi sentence फीमेल में बोलना हो, जैसे जैसे प्रज्ञा इज रिपेयरिंग हर हाउस, सो इट विल बी रिटन एज प्रज्ञा च पनिन मकान शेरान, एंड प्रज्ञा वाज रिपेयरिंग हर हाउस। पनुन पनुन नहीं, पनुन रहेगा, मकान इज मेल, प्रज्ञा च पनुन मकान शेरान। ओके ओके, तो पनुन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, प्रज्ञा वॉज रिपेयरिंग हर हाउस, प्रज्ञा अस पनुन मकान शेरान। ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन, फॉर मेल्स पीटर इज रिपेयरिंग हिज हाउस, पीटर चु पनुन मकान शेरान, पीटर वॉज रिपेयरिंग हिज हाउस, पीटर ओस पनुन मकान शेरान। एंड अगर फीमेल के लिए बोलना है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रज्ञा लिखेंगे, सो प्रज्ञा इज रिपेयरिंग हर हाउस, प्रज्ञा छ या प्रज्ञा छ पनुन मकान शेरान, एंड प्रज्ञा वॉज रिपेयरिंग हर हाउस, प्रज्ञा अस, ओस की जगह अस होएगा, अस पनुन मकान शेरान। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, ये छ होगा या छा होगा फॉर फेमिनिन? छ छ, छा नहीं होगा इसमें। क्यों क्यों नहीं होगा मैम? रिपीट करो सेंटेंस। अगर प्रज्ञा इज रिपेयरिंग हर हाउस, इज दैट सेंटेंस? यस मैम, उसको मैंने फीमेल में चेंज किया। प्रज्ञा छ पनुन मकान शेरान, सिर्फ छ को छ हो जाएगा, छ हो जाएगा, सी एच एच आई। छा क्यों नहीं होगा मैम? ये इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, डिपेंड करता है ऐसा, ये बोलने से ही पता चलता है छा आएगा और छा आएगा। छा से ये क्वेश्चन बनता है, छा इसलिए छ और छ
ये ठीक है, छा से ये क्वेश्चन बनता है। ओके ओके ओके। फिर नेक्स्ट आता है ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे, आज सारी दुकान बंद। ऑल शॉप्स विल बी क्लोज टुमारो, पगा आसन सारी दुकान बंद। तो इसमें कोई मेल फीमेल चेंज नहीं होगा। ओके, सो आई विल रिपीट द सेंटेंसेस अगेन। ऑल शॉप्स आर क्लोज टुडे, आज सारी दुकान बंद। ऑल शॉप्स विल बी क्लोज टुमारो, पगा आसन सारी दुकान बंद। फिर नेक्स्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मुझे ना आज जुब ठीक, और वी कैन से यस, मुझे ना आज तबियत ठीक, तबियत ठीक। ओके, एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, मैं ओस ना रात जुब ठीक, और मैं ओस ना रात तबियत ठीक। ओके, इसको हम फीमेल में भी बोल सकते हैं, मुच्छन अज जुब ठीक, मुच्छन अज तबियत ठीक, एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, मैं ओस ना मैं छुन मैं छुन मैं छन नहीं मैं छुन तबियत मेल है, फीमेल के लिए भी तबियत मेल बनता है, मैं छुन। ओके, तो इट विल बी द सेम सेम सेम। ओके ओके, सॉरी। सो बट द नेक्स्ट सेंटेंस में ओस न जुब ठीक, तो देन इट विल बिकम फॉर फीमेल में अस न रात जुब ठीक, या मैं अस न रात वहां भी ओस ही आएगा। ओके ओके, क्योंकि तबीयत के बारे में जब बोलेंगे वो तो मेल है। ओके ओके, सो आई विल रिपीट, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मच्छुन आज जुब ठीक, मच्छुन आज तबीयत ठीक। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, मैं ओस न रात जुब ठीक, मैं ओस न रात तबीयत ठीक। ओके ठीक है। देन नेक्स्ट, When will you come to my home? Sakar ik myon gar. When will you come to my home? Sakar ik myon gar. When had you come to my home? Sakar osuk myon gar amut. Okay? So, isko male way mein agar bolna hai, it is exactly the same as written. And agar female mein kehna hai, when will you come to my home? Sakar ik myon gar. अभी आप घर का देखेंगे ना, मैस्कुलिन फेमिनिन, घर जो है वो मेल ही है, उसी के साथ है, घर की ही बात है। घर दोनों में वही होगा, चकारी एक नॉन घर, यही था ना। एंड मैम नीचे चेंज हो जाएगा, इधर आएगा चेंज, आमुच आमुच और असक सरकार असक, वो एड्रेस करता है फीमेल को, तो ओसक आएगा, म्यून घर। ओके, सो फॉर फीमेल्स फर्स्ट सेंटेंस विल बी द सेम, सकर इक म्यून घर, एंड सेकंड, व्हेन हैड यू कम टू माय होम, सकर ओसक म्यून घर आमत। ओके, सो आई विल रिपीट, व्हेन विल यू कम टू माय होम, सकर इक म्यून घर, When had you come to my home? Sukkar osuk myon gar amut. For females, it will be when will you come to my home? Sukkar ik myon gar. And when had you come to my home? Sukkar osuk myon gar amut. Very good, very good, very good. Okay. Sukkar osuk myon gar amut. Excellent, okay. Excellent. Thank you. Then next. Will you stay with me for a week? So, rozuk akis haftas mesuit. You stayed with me for a week? So, ruduk akis haftas mesuit. Okay. So, isme female bhi possible hoga? Will you stay with me for a week? So, rozuk akis, bilkul dono ke liye same. So, rozuk akis haftas mesuit. Okay. So once again I will repeat, will you stay with me for a week? So rozuk akis haftas mesuit.
You stayed with me for a week. So ruduk akis haftas misui. Okay. अब यहाँ change होगा. So ruzuk akis haftas misui. रुदुक में आएगा रुजुक. So, जैसे मैम ने कहा यहाँ पे चेंज आएगा जब फीमेल होगा. फॉर मेल्स इट इज सरुदुक अकिस हफ्तस मिसुइत एंड फॉर फीमेल होगा सरुजुक अकिस हफ्तस मिसुइत. ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दोनों केसेस दिए हैं मेल एंड फीमेल. माय फ्रेंड वांट्स टू स्टडी विद मी. म्योन दोस्तु मिसुइत यत्सान परुन. एंड अगर फीमेल को बोलना है माय फ्रेंड वांट्स टू स्टडी विद मी. म्योन व्यस्च मिसुइत यत्सान परुन. ओके एंड नेक्स्ट माय फ्रेंड स्टडीड विद मी. तो फॉर मेल इट विल बिकम म्योन दोस्तन पुर मिसुइत एंड फीमेल के लिए होगा म्योन व्यस्च पुर मिसुइत. सो वंस अगेन आई विल रिपीट for me suit. Very good, very good Pragya. So for males, my friend wants to study with me. Myon dostu misuit yatsan parun. My friend studied with me. Myon dostan pur misuit. And for female, my friend wants to study with me. Myon vyaschi misuit yatsan parun. And my friend studied with me. Myoni Vyasupor Mesut. Okay. Then next. Myoni. It is not Myoni. It is Myoni. Achcha Mara. Myoni. Okay. Once again, I will repeat. Myoni Vyasupor Mesut. Okay. Vesi. Por Mesut. Myoni Vyasupor Mesut. For Missouri. Okay, ma'am? Bilkul. Okay. Go ahead. Then next, Raju went cycling to school. Raju gav cyclist pet school. Raju will go cycling to school. Raju gats cyclist pet school. Agar female... Isko zalguras bhi kar sakte hai. Master ji ne zalgur padhaya tha. बिल्कुल 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 जालगुर साइकिल को बोलते हैं कश्मीरी में. जालगुरिस ही फिर हाँ फिर आएगा जालगुरिस. जालगुर हो गया साइकिल और अगर उस पे चढ़ना है तो जालगुरिस पेट दैट इज स्कूल. गुरिस र इ और स जाल गुरिस गुरिस. ओके थैंक यू. Let it be cycle for Malabna learning Kashmiri. Let it be. Zalugur ka zara rosh pan. Magar cycle cho English word. Cycle is okay. We are trying our best. We adopted it into our Kashmiri language. Nanamara sugav thik adopt kor magar asli word chuta zalguri. मर्जी की तुम लेखन जलगुर या चाहे लेखन तुम साइकिल. राइट ओके एंड अगर इसको हमें फीमेल में कहना है रानी वेंट साइकिलिंग टू स्कूल तो रानी गई साइकिल पेट स्कूल. पेट स्कूल रानी गई साइकिल पेट स्कूल. एंड रानी विल गो साइकिलिंग टू स्कूल रानी गट्स साइकिल टू स्कूल. इसमें डिटो है सब बहुत मुश्किल है ग्रामर कश्मीरी ग्रामर इज वेरी टफ. तो नहीं तुम लोग सीख लोगे. यू विल लर्न. यस मैम. यू ऑल विल श्योर लर्न एंड यू आर लर्निंग सो गुड. तो वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर बोथ. फॉर मेल्स पहले राजू वेंट साइकिलिंग टू स्कूल. Raju Gav किसके बारे में बोल रहा हूँ और मैं किसके लिए बोल रहा हूँ. Can we address a person? Is he a male or female? Can we tell anything about a person? Is he a male or female? सब आपको आसान रहेगा बोलना. Oh, okay, okay, sir.
फिर से आई विल रिपीट. राजू वेंट साइकिलिंग टू स्कूल. राजू गव साइकिलिस्ट पेट स्कूल. एंड राजू विल गो साइकिलिंग टू स्कूल. राजू गट्स साइकिलिस्ट पेट स्कूल. फिर अगर रानी वेंट साइकिलिंग टू स्कूल तो रानी गई साइकिलिस्ट पेट स्कूल. एंड रानी विल गो साइकिलिंग टू स्कूल तो इट विल बी सेम एज मेल. रानी गट्स साइकिलिस्ट पेट स्कूल. ओके फिर नेक्स्ट I have lot of books in my library. Myani library manch varya kitab. I had lots of books in my library. Myani library manch us varya us. Myani library manch us varya kitab. I think इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नहीं. अगर इसको मेल में कन्वर्ट करेंगे मैम हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं राइट इन मेल लाइक म्यो इन लाइब्रेरी मंच छु वारिया किताब. लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी है ना वो फीमेल. ओ फेमिनाइन है ना तो इसलिए उसको कैसे हम मेल करके करेंगे. म्यो लाइब्रेरी मंच छु लाइब्रेरी मंच. ओके 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 सर. सो आई विल रिपीट सेंटेंस अगेन. आई हैव लॉट ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी. मेरी लाइब्रेरी मंच छे वारिया किताब. छे इज फॉर प्लूरल. हियर छे इज फॉर प्लूरल. ओके अगर सिंगुलर होता अख किताब तो छे नहीं होगा. छे वारिया किताब नहीं उसमें दोनों हो सकता था छे भी और छे भी. ओके सर. आई हैव लॉट ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी. मेरी लाइब्रेरी मंच छे वारिया किताब. आई हैड लॉट ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी. मेरी लाइब्रेरी मंच आस वारिया किताब. ओके देन नेक्स्ट This house has 12 rooms. Yath makanasch bah kamra. This house had 12 rooms. Yath makanas ois bah kamra. So I will repeat the sentence again. This house has 12 rooms. Yath makanasch bah kamra. This house had 12 rooms. Yath makanas ois bah kamra. Okay. Then next, we have a big market near our house. Asichu paninis garis nish bod bazar. And repeat, asichu paninis garis nish bod bazar. We had a big market near our house. Asi os paninis garis nish bod bazar. So I will repeat both sentences again. We have a big market near our house. Asichu paninis garasnish bod bazar. We had a big market near our house. Asi os paninis garasnish bod bazar. Okay. And then the last one. We felt an earthquake in the morning. Asi tsun az subahas bunyul. Okay. And we felt an earthquake yesterday. Asitsyun raat bunyul. So I will repeat again. We felt an earthquake in the morning. Asitsyun az subahas bunyul. And we felt an earthquake yesterday. Asitsyun raat bunyul. Okay. So end of lesson 16. So ye hamara lesson complete ho jata hai. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो अच्छे तरह से प्रेपरेशन करें इसके लिए. ओके ताकि अच्छे तरह से एग्जाम्स क्वालिफाई करें क्योंकि जो एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अच्छे तरह से प्रिपेयर कीजिए एंड डू योर एग्जाम्स वेल. ओके अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मैम से पूछ सकते हैं. ओके करुणा मैम
किसी को बड़े साहब हैं वो ज्यादा बेटर बताएंगे, उनसे पूछिए। यस मैम, बट साहब है ना, उनसे पूछिए, वो ट्रबल शूटर ज्यादा बेटर हैं। हाँ मैडम बोले। हाँ मैडम, नहीं मैं पूछ रही थी अगर किसी को कोई डाउट्स है एंड अगर आप अपना कोई गाइडेंस एडवाइस दे सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ग्रामर थोड़ा समझा दीजिए किसमें क्या होता है, आप बता रहे थे ना। मैंने आप ग्रामर समझा दीजिए। मैंने एक सिंपल बात कही, जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं वह किसी वो मेल है या फीमेल है, प्लूरल है या सिंगुलर है, और जब हम किसी चीज के बारे में बोल कर उसे एड्रेस करें तो उस चीज को हमने देखना है वो सिंगुलर है प्लूरल है मेल है फीमेल है, तो उसी हिसाब से हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके सर, मेरे दो डाउट थे। पूछिए पूछिए। प्रज्ञा प्लीज ऊपर करना स्क्रॉल, सबसे टॉप पे पहला वर्ड जो था ग्रेन्स वाला। ओके एक मिनट। ये जो आपने प्रज्ञा जब पढ़ा था, आपने दाइन पढ़ा था, तो वो सिंगुलर है और दानी प्लूरल है, ऐसा है? दानी दोनों में वही है, सेम है दानी और दानी। तो इट विल बी दानी नॉट दाइन। दाने, दाने, ने, छोटे ही की मात्रा है, दाने, छोटे ही की मात्रा है। और मैम जब सुपरस्क्रिप्ट में आई आता है, तो जैसे आपने पढ़ाया था ग्रीसी बाय, तो उसको बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रीस बाय, हाँ मतलब जब क्योंकि वहाँ आई आ रहा है पहले और उसके बाद फिर एक कॉन्सोनेंट होगा जैसे स हो गया, और उसके बाद ऊपर अगर सबस्क्रिप्ट हो तो वो आई के बाद एक और आई सबस्क्रिप्ट पर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका कुछ आप थोड़ा बेटर थोड़ा इजी करके बता दीजिए। प्रैक्टिस, जितना पढ़ोगे लिखोगे उतना परफेक्ट हो जाएगा। फ्यू थिंग्स नीड प्रैक्टिस, और लैंग्वेज में तो होता ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। अभी जैसे यहाँ पे चिनार लिखा है बूइन, तो यहाँ पे तो यू के बाद आई आ रहा है, मतलब ऊ के बाद ई आ रहा है, तो बोलना थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ अगर मान लीजिए कोई वर्ड है जैसे बी आई एन के ऊपर आई है, तो वो उसको बोला बीन करके बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे बेटा ये जो है ना हमारा इंग्लिश वाला जो इसमें पढ़ाने का, मुझे उतना अनुभव नहीं है उसका। आई कैन टीच, आई कैन शो एंड आई कैन से एवरीथिंग अबाउट देवनागरी स्क्रिप्ट। अब इसमें जो लगाए गए हैं मुझे उसमें उतना आइडिया नहीं है। आप मैं हिंदी वाला जो है देवनागरी वाला आई कैन एक्सप्लेन इट। देवनागरी में एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये चिनार की जगह कोई वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड शायद एग्जिस्ट ना भी करता हो, ब के नीचे ऊ की जगह अगर ब पे ई की मात्रा होती, फिर आधा ना होता, फिर य होता। नहीं तो होता है ना, ई की मात्रा के बाद आधा अक्षर नहीं आता है, ई की मात्रा के बाद आधा अक्षर आता ही नहीं है, ना देवनागरी में ना कश्मीरी में, इसलिए ये बून ही है, बून। समझे? आप देख लो, कभी भी नहीं आता है, ई की मात्रा के बाद नहीं आता है आधा अक्षर, ना हिंदी में ना कश्मीरी में। नहीं, ई के बाद न है, फिर ऊपर आई है सबस्क्रिप्ट में छोटा वाला, या य है जैसे सीमेन में भी है। हम तो हिंदी और कश्मीरी की बात कर रहे हैं, संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ रहे। नहीं मैम, संस्कृत नहीं बोला मैंने, सबस्क्रिप्ट बोला। अच्छा, सबस्क्रिप्ट, ऊपर स्क्रिप्ट बोला। हाँ, बून है, ब में ऊ की मात्रा है, बू, न है आधा और य है, हो गया बून। अब इंग्लिश वाला जो है ये है बी यू एन, उसमें वहां लगा है जो भी लगा है
इसको मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे उतना मुझे मास्टर जी ने बोला था कि नहीं आप इसको कर लो, नहीं मैं कर नहीं पाई। अल्फाबेट की बात नहीं मैम, हिंदी में भी वही बात बनती है, मतलब बस वही था, प्रोनंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है जब ई के बाद एक छोटा ई भी आ जाता है, मतलब न और य आ जाता है। बू है, सिंपल है, पहले बू न्य 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 ऐसे बोलो, बूंज बूंज। बस लैंग्वेज है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा उतना परफेक्शन आए। और अगर आपको डिफिकल्टी है मैं अलग से ऑडियो बनाऊंगी, मैं भेजूंगी किन वर्ड्स को बोलने में दिक्कत है, आई विल सब पूरा मैं करूंगी उसको कलेक्ट और आप लोगों को बताऊंगी किस वर्ड को कैसे बोलना है। ठीक है, वी आर हियर टू हेल्प फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जहां भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है बेटा। और मैम एक ग्रीटिंग्स को क्या बोलते हैं मैम, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, अगर है ऐसा कश्मीरी में कुछ है? नमस्कार ही बोलते हैं, जनरली नमस्कार ही बोलते हैं, वारे छू महरा, वार पट छू महरा। नो सच वर्ड फॉर गुड नाइट। शुभ रात्रि हिंदी में है, कश्मीरी में तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। इंडियन लैंग्वेज में नमस्कार है, बाकी वो मैं अंग्रेजन में ट्रांसलेशन सुबह की रात की वगैरह, अदरवाइज नमस्कार है सर जी। हिंदी में शुभ रात्रि, अंग्रेज आए नमस्कार हिंदी नमस्ते मगर नमस्कार खबर वारा दलीलाल वर्ड्स यूज कर मेल वक्त। और कोई डाउट है अगर किसी भी स्टूडेंट को वो पूछ सकते हैं। मैम मैं सोच रही थी हम स्टूडेंट को एक एक चांस दे सकते हैं लाइक रिवाइज करने के लिए ये फिर से। हां इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन रीड थिंग्स। सो मैं रोल नंबर वाइज बुलाऊंगी सबको एंड वन बाय वन दे विल जस्ट रिपीट व्हाट हैज बीन टॉट टू देम। ओके so first roll number Akanksha, read out only Kashmiri words not English. Okay, because English everybody knows. Okay, jaldi jaldi phatafat daane bol sakte ho one by one. Okay, one daane ot tomul kanak makai tel tel gaguj na gaguj nahi gogul 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 वुष्क दाल राजमा मूंग मसूर बगल कर चन महा। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट आरव आरव सॉरी नेक्स्ट निहारिका निहारिका इज देयर। ओके ओके, फिर आरव आरव प्रेजेंट है। यस, आप ये बोल सकते हैं वोकैबुलरी फॉर ट्रीज का? हाँ हाँ यस बोल। पॉपुलर फ्रस्ट, सिर्फ पशुर वाला बोलना। लीव लीव इंग्लिश इंग्लिश एवरीबॉडी, यू विल लर्न लेटर फ्रॉम द लेसन, यू ओनली से द कश्मीरी वर्ड्स। ओके, फ्रस्ट वीर दिवदोर बुदुल कायुर बून बुरजकुल 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 सर्व कर। वेरी गुड, देन नेक्स्ट स्टूडेंट आरुषि, आरुषि कैन जॉइन कैन से, if not arushi then shrishti
common colors? Kruhun, krehun, nyul, mechirang, kirmis, sonhar, sabz, neel rang, gulab, wazul. Good. Next. Asman rang, kachur, laj varuit, safed, chot. Lyodur, badur. 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 Okay. Next, Vyomini. Yes. Can you say tastes? These four words. Kosher wala hi bolna hai. Okay. Kyot, namkeen, chok, madur. Okay. Ma'am, theek hai? Bilkul. Okay. Kyot, namkeen. Achha, namkeen wale ko jo hai na, thoda niche karo. Jo namkeen hai na, नमकीन को हम सॉल्टी को हम बोलेंगे नून मज जैसे किसी में सॉल्टी उसको बोलते हैं अच नून मज तो नमकीन तो ठीक ही ठीक है लेकिन नून मज भी बोलते हैं जस्ट फॉर एडिंग ओके मैम सो कोर मधुर देन नेक्स्ट वोकैबुलरी फॉर रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आरुषि है आरुषि ओके दिव्यांशी अगर आप वोकैबुलरी बोल सकते हैं दिव्यांशी यस या एंड रई सिंगुलर रई प्लूरल रई क्रोकोडाइल वाला बोलना ओके मगरमच्छ मगरमच्छ बूमसिन Bumsinye, Pyush, Pish, Mach, Machi, Mah, Mo, Mahi, Mai, yes. Mai, Mo or Mai? Mo or Mai. My butch the bitch sorof yamar sorof yamar zalur zalir kanye hapin ये है कन है कन है पिन कन है पिन और कन है पिन ये थोड़ा कठिन है सृष्टि के लिए सृष्टि तुम थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है ना आप देखो इसको रिपीट करो कन है पिन और कन है पिन हो गई एक कन है पिन हो गई मेनी कन है पिन मुहर तो मुहर मुहर हो गया एक मुहर हो गए मेनी मुहर मुहर ओके देन नेक्स्ट लास्ट डाउट और सॉरी हाँ वो पूछ ये मुहर पे यू पे फिर कैप आएगा क्या प्रज्ञा एक्चुअली मुझे नहीं आएगा ना मतलब क्योंकि मतलब आइदर हैज टू बी करेक्ट एक्चुअली मेरे को प्रैक्टिस नहीं है हाँ वैसे ये यू का ये वाला तो ये बुक वाला है हाँ आई थिंक चंद्र बनता है शायद हिंदी में यस यस बट फिर यहाँ आई थिंक फिर ये जैसे ये यू वाला है विद दैट हलन वैसे इधर भी होगा
करुणा मैम के कंफर्म प्रोनंसिएशन वाला तो ये ही जो देवनागरी वाला है वो ठीक है। हाँ यस मैम, उसमें कोई कौन बदलेगा वो फिर हम पूछेंगे, लाइक उसको चेंज कर दिया जाएगा। हाँ मतलब बस एक नोट बना लेना होगा। हाँ हाँ सृष्टि क्या बोल रहे हो आप बेटा? मैम मैंने बोला कि मुहूर जो प्लूरल वाला है उसमें देवनागरी में ह पे उ है, लेकिन यहाँ रोमन में यू पे कैप आ गया है, तो मतलब वही पूछ रही थी कौन सा करेक्ट होगा दोनों में से, कोई दोनों अलग स्पेलिंग है। जैसे मैम ने कहा ये हिंदी में करेक्ट है, करेक्ट है वैसे ही इंग्लिश में भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ करेक्ट ठीक। नेक्स्ट फिर ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस दक्षेश, फर्स्ट टू सेंटेंसेस अगर आप बोल सकते हो, ये वाला एंड पीटर वाला। दक्षेश यस यस पीटर सिर्फ कश्मीरी वाला। बु ओसुस सर्कस वुचनी गोमुत। बु 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 गच सर्कस वुचनी। एंड नेक्स्ट वाला बोल दो, ये वाला पीटर वाला। पीटर छु पनुन मकान शेरान। पीटर ओस पनुन मकान शेरान। ओके एंड ये थर्ड वाला भी बोल दो लास्ट, ऑल शॉप्स आर क्लोज टुडे। आज छे सारे दुकान बंद। सारी नहीं सॉरी सॉरी दुकान बंद। पगा आसन सारी दुकान बंद। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू पिक्ड अप एट अ ग्लांस। देन नेक्स्ट वन इज पलाक्षा। पलाक्षा वो क्लास में है। ओके नेक्स्ट आकांक्षा। आई डिडंट यू आंसर आकांक्षा? आप फिर से रिपीट कर लो बेटा यहाँ से। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। यस मैं चुनना आज जू या तबियत ठीक। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, मैं उस न रात जू या तबियत ठीक। यस ओके नेक्स्ट वन। इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन एक बात है यहाँ पर। हाँ जी। अगर ऐसे बोलेगी तो सब लोग यही रिपीट करेंगे, इसमें एक ही सेंटेंस में नहीं आएगा। हमें या बोलना है नशुन आज झूठी, या बोलना है नशुन आज तबियत ठीक, या आप दोनों सेंटेंसेस अलग अलग बोल सकते हो। वो रखा है ना, पब्लिक कर दिया है ना, जू और तबियत। हाँ, तो जू या तबियत, मगर एक ही सेंटेंस में बोलेंगे तो लोग इसको क्रैम करेंगे। ओके सर नो प्रॉब्लम। एक चीज करो आकांक्षा, आप उसको अलग अलग बोल दो सो दैट इट इज क्लियर। ओके 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 रिपीट कर लो, मिचुना अस जू ठीक, फिर मिचुना अस तबियत ठीक, ऐसे बोलो। ओके मैं आज जू ठीक, मैं आज तबियत ठीक। वेरी गुड, आप एक ही भी बोल सकते हो, दो बोलने की जरूरत भी नहीं है। ओके थैंक यू। एंड दूसरा वाला भी रिपीट कर लो आकांक्षा। मैं ओसना रात रात जू ठीक, मैं ओसना रात तबियत ठीक। यस वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वन भी बोल लो बेटा। कर एक म्यों गर कर ओसुक म्योन गर आमुत। एंड अगर हम फीमेल हो तो फीमेल में कैसे बोलोगे ये सेंटेंस? कर ओसुक म्यान गर
आमत मांस फीमेल वाला बोलो, फीमेल वर्जन बोलो। हाँ हाँ जकर ओसुक म्यांगी गर ओसुक नहीं ओसुक ओसुक so it will come as sukar osuk myon gar amuts very good sukar osuk myon gar amuts repeat karo fir se akanksha sukar osuk myon gar amuts sukar osuk myon gar amuts yes amuts okay and then ye wala bhi aap bolo म्यून नहीं है म्यून है म्यून नॉट म्यून ओ ओके सर सकर ओसुक म्यून गर आमत एंड सकर ओसुक म्यून गर आमुद ओके आकांक्षा ये नेक्स्ट वाला भी बोल दो विल यू स्टे विथ मी फॉर अ वीक रोज 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 ख किस हफ्तस में सूट अत रूदुक अकिस हफ्तस में सूट ठीक है गुड गुड ओके नेक्स्ट वन आरव माय फ्रेंड वांट्स टू स्टडी विद मी कश्मीरी वाला ही बोलना है ओके میون دوست چھو مے سوت یتسان پرن پرن یتسان پرن میون ویس چھ مے سوت یتسان پرن and next والا my friend oh sorry میون میون دوستن پور مے سوت म्यानी वैसी पोर में सोते हो सोते नहीं है सूत है तो इन दोस्तों पोर में सूत म्यानी वैसे पोर में सूत फिर से रिपीट ओके म्यानी दोस्तों पोर में सूत हो म्यानी म्यानी वैसी पोर में सूत हो सूत नहीं है सूत है म्यान में सूइत फिर से रिपीट करो ये वाला मैं सूइत करेक्ट यस ओके अभी नेक्स्ट वाला बोलो राजू वेंट साइकिलिंग टू स्कूल आरव आप ही कंटिन्यू करो ओके राजू गव साइकिलस पेट स्कूल राजू राजू गच्छे साइकिलस पेट स्कूल यस वेरी गुड एंड ये लास्ट वाला आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स इन माय लाइब्रेरी म्यानी लाइब्रेरी मंज छे वारिया किताब म्यानी लाइब्रेरी मंज आस वारिया किताब Good, good. Okay, thank you. Next, Shrishti. Last sentences. Last three. Yat, thoda upar. Yat makanas chi bah kamr. Yat makanas ash bah kamr. Asi chu पननिस गरस निश बोर्ड बाजर असि ओस पननिस गरस निश बोर्ड बाजर असि चुन अस सुबहस सुबहस बुन्युल असि चुन रात बुन्युल चून है चून मैम पनुन और पनुन पे का मेल और फीमेल के लिए होता है अलग अलग अब सेंटेंस पढ़ के बताओ तो हम बताएं फिर यहाँ ऊपर एक में है
ये वाला हाँ पीटर वाला पीटर इज रिपेयरिंग हिज हाउस पीटर अब अगर मकान शेरान अब क्या बता पूछना चाहती है तुम तो? अगर प्रज्ञा इज रिपेयरिंग हर हाउस या प्रज्ञा वाज रिपेयरिंग हर हाउस होगा प्रज्ञा अच्छे प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं है प्रज्ञा अच्छे बनुन मकान शेरान बाकी सेम रहेगा छुको हो जाएगा छे तो पनुन किस, किस नहीं नहीं पनुन मकान के लिए वही है मकान के लिए है ना ये पनुन अच्छा मकान की जगह अगर कोई फीमेल चीज होती तो पनिन आ जाता हाँ अगर फीमेल चीज होती तो पनिन होता अच्छा। बताओ कोई बताओ वैसे बताओ मतलब बस यही पूछता ठीक था ठीक है वो वहाँ पर अगर फीमेल अगर वो फेमिनाइन होगी तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा ये मकान के लिए इसलिए पनिन है ठीक है ओके और किसी को कोई भी डर होता अगर मकान के बदले लर होता तो फिर बदल जाता फिर वहां पर आता वो हाँ। और उसका भी मतलब तो घर ही होता है लर भी लर ही मकान लर, लर फीमेल है लर फीमेल है मकान मेल है मकान मेल है वैसे असली शब्द कश्मीरी लर है अच्छा। लर शेरा मियन लर छबोड मियन लर छबोड नहीं आएगा मियन लर छबोड ठीक है आगे पढ़ो आगे करो नाम कंप्लीट हो गया कंप्लीट हो गया चलो गुड वेरी गुड सो कोई भी डाउट्स अगर किसी को एनी डाउट्स को है लेकिन आस्क मैम हां बताओ बेटा एक्चुअली मैंने यस्टरडे एक फ्रेम करी थी सेंटेंस कश्मीरी का तो उसमें कन्वे वर्ड यूज हो रहा था तो कन्वे के लिए कोई कश्मीरी वर्ड है क्या या उसको हम सीधा कन्वे बोलते हैं नहीं कन्वे तो इंग्लिश वर्ड है ये तो उसके लिए कोई कश्मीरी सेंटेंस वर्ड बोलो सेंटेंस बोलो तो मैम मैं बस आस कर रही थी मैं एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रही थी कन्वे से कोई सेंटेंस तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ तो सोजुन भेजने को बोलते हैं कन्वे करने को सोजुन बोलती है सोजुन Okay. अब कोई और वर्ड हो सकता है okay. जैसे कुछ भेजना है अब कन्वे कुछ स्पानिंग मैसेज कुछ स्पानिंग शेष होगा कन्वे कैन बी यूज्ड डिफरेंटली इन कश्मीरी एज पर द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कन्वे सोजन भी होता है शेष सोजन भी होता है वनन भी होता है समझाउन भी होता है कन्वे के डिफरेंट मीनिंग है कश्मीरी में तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है यस जैसे सेंटेंस होगा तुम सेंटेंस बताओ हम बताएंगे यस यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ जैसे कन्वे माय रिगार्ड्स हुआ तो वानुन तिमन गैच्छी मिओ नमस्कार वानुन वानुन ओके नसा पालन ही सोजान अब अगर ब्लेसिंग्स की बात आई तो बुछा सा तही सारनी पानी ही सोजान अगर किसी के थ्रू करने की बात आई तो बुछा सा तही शेष सोजान या बुछा सा तही नमस्कार वानान And ma'am, जैसे words are like lasiv, faliv, khashruziv, वो भी. I will teach you separately this. जितनी भी blessings है, I will teach you. That will be a full chapter of blessings. ठीक है? अभी तुम लोग exam करो, अभी next week exam है. मैं तो रोज बनाती हूँ ना उसके लिए जो मैं morning, good morning का करती हूँ ना कश्मीरी वाला जो होता है पंचांग क्या क्या तो वो मैं रोज करती हूँ तो उसको करके उसमें blessings भी होती है मियन ओही छव सारनी तोही तो तुम जन टाटन मतलब तोही ती छो यो ब्लेसिंग्स टू यू एज वेल एज टू योर डियर वंस इस तरह से मैं सिखाऊंगी तो ओही सीखना ब्लेसिंग सीखना बहुत अच्छी बात यस सर एंड जो भी आपके कश्मीरी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं वो खुश हो जाएंगे कि इन्होंने इतना सारा सीखा थैंक यू थैंक यू एग्जाम एग्जाम एक्चुअली
इज इन द कमिंग वीक, जैसे एवरी सैटरडे हमारा होता है तो इसी टाइम पर हमारा एग्जाम होगा. ओके, एंड सर्टिफिकेट्स उन्हीं को मिलेंगे जो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को. सो फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर अच्छे से. सो प्लीज प्रिपेयर वेल. ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. यस व्योमनि, आपको कोई क्वेश्चन है? मेरा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ विल वी गो अबाउट इट? मतलब एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमको कैसे आंसर करने होंगे, मतलब पेपर पे होगा या ऑनलाइन होगा? यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर. Questions will be given, and you have to write on your paper, and at the same time you will post. Post, ठीक है? Post on WhatsApp. WhatsApp. अच्छा. Ma'am, it will be individually students send करेंगे. बिल्कुल, और क्या, अलग अलग थोड़ी ना. हम तो आपको वो सेंड करेंगे, राइट? वो हम डिस्कस करेंगे, अभी उस बारे में मीटिंग नहीं हुई है. मैम हम सेंड करेंगे या रीड आउट करेंगे? हाँ, रीड आउट नहीं, लिखना होगा, लिखना होगा. मैम बट ऐसे ही एक ज़ूम मीटिंग होगी, राइट? लाइक ऑन द स्पॉट द पेपर विल बी देयर एंड वी ऑल विल बी ऑनलाइन एंड विल बी गिविंग एग्जाम एंड देन आंसर्स का. तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा पेज का क्वेश्चन मिलेगा, और ये स्पेसिफाइड टाइम है, उसका आंसर करना होगा, और जब आपका टाइम खत्म होगा तो उसको कहेंगे क्लोज एंड सेंड द पेज. आप उसी समय पेज भेजोगे तो हम उसको करेक्ट करेंगे. सो दैट इधर उधर देख के नहीं लिखने का है, जो वहां पे आए ऑन स्पॉट लिखना वो लिखोगे. तो मैम क्लास तो होगी, राइट, दैट डे? या होगी, बिल्कुल होगी. क्लास विल बी देयर एंड वी विल बी डूइंग आवर एग्जाम. यस, You all will do good. मुझे पता है तुम लोग सब लोग अच्छे से कर रहे हो. और कोई डाउट है एग्जाम रिलेटेड डाउट, या अगर कुछ पूछना होगा, कुछ होगा, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन आस्क मी, ठीक है? एनी डाउट्स? ओके, सो कोई भी डाउट्स है अगर आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं? यस व्योमनि. मैम मैं ये बोल रही थी कि मैं और मेरी बहन एक डिवाइस शेयर करते हैं, तो हम दोनों कश्मीरी सर को भेजेंगे क्या, क्योंकि मेरा जो खुद का डिवाइस था वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम कैसे करेंगे? मैं पूछ रही हूँ कि मैं और मेरी बहन एक ही डिवाइस शेयर करते हैं, मेरा जो खुद का डिवाइस था अब वो काम नहीं कर रहा है, तो हाँ कोई बात नहीं. वैसे भी जो आपको एग्जाम होगा उसमें हम आपको पहले ही एग्जाम शीट भेजेंगे, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के तैयार रखना है, और फिर आपको वो करना है एट द टाइम ऑफ 1 आवर जो आपको दिया जाएगा. और जब आप कर रहे होंगे उसको कंप्लीट करने के बाद, जैसे ही मैं बोलूंगी कि 1 आवर खत्म हो गया, आपने उसको कंप्लीट किया, आपको फोटोग्राफ उठानी है और व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे या करुणा आंटी को या फिर कुलदीप जी को भेजोगे, ठीक है? उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कि आपको किसको भेजना है, ताकि सब बच्चे एक ही को भेजें, और फिर एक जना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो चेकिंग के लिए. घर पे प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मेरे घर पे प्रिंटर नहीं है. तिल किस कैन करेक्ट से प्रिंट आउट? अच्छा चलो बहुत पतित से जैसे किस कैन करो तिल कर से आप कम चाहेगा कितनी करेक्ट के प्रिंटर छुई ना, मगर कॉपी तो पेन है कट ना स्पेवर पानस मिश तो हमेशा साथ होता है. बस कॉपी पेन स्पेट लेक्स पांच सौ से, क्योंकि लिखने वाले आइटम्स कम है, ठीक है? तो कॉपी पेज का प्रिंट मेरे को फोटो भेज देना, तो मैं तेरे पाने फिक्र क्या, मतलब तसलीक से क्वेश्चन नंबर दे, आंसर नंबर दे, तो बस क्वेश्चन जो लिखने की जरूरत क्या, ठीक है? आंसर आंसर लिखेंगे तो पता ही अंडरस्टूड है क्वेश्चन क्या है. हाँ बस तसलीक से अगर आंसर आंसर करेंगे. हाँ आंसर आंसर ही हो तो कॉपी उस पर लिखे तो ठीक है. ठीक है मैम. तो उस दिन भी क्लास होगा, राइट? क्लास आनी है फिकन,
It again rose the yeah. Achha, okay. Yes. Okay. Well, the exam then. So my ask one. Sirf jan main hi hota exam den allowed bahut kai insaan ne exam kuch jab na exam camera kuch jab na exam kisa wala banan to shu zaruri din exam to shu student to shu zaruri din exam main already haathon mein chuwa gaya mention sir ka photo ye